नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भलराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, विभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अभी देखो, मुझे लगता है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आ गया होगा। तो वो आने के बाद हम लोग आगे वाला भाग जो है वो हम लोग अभी पढ़ सकते हैं। देखो, हमारा आगे वाला जो भाग है वो है महत्तम सामान्य विभाजक। महत्तम सामान्य विभाजक इसका शॉर्ट फॉर्म है मसावी। देखो, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, सामान्य मतलब क्या कि जो विभाजक हम लोगों ने ज्ञात किए हैं उसमें से जो सामान्य मतलब जो एक सर के हैं तो उसको सामान्य कहा जाता है। तो उसमें से सामान्य विभाजकों में से जो बड़ा रहेगा वो रहेगा उन संख्याओं का मसावी। देखो, हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, ये भाग आने के बाद ही हम लोग ये भाग जो है वो हल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने दो उदाहरण यहाँ पर हल करके दिखाए हैं। देखो, पहला जो गणित है 28 और 42, इनका मसावी ज्ञात करो। अभी देखो, यहाँ पर 28 और 42 इनका मसावी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को दोनों विधियों का उपयोग करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने ऊर्ध्वाधर विधि और क्षैतिज विधि दोनों विधियों से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं। तो इसके आधार पर ही हम लोग ये मसावी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी 28 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। देखो, अभी 28 ये जो संख्या है इसके इकाई स्थान पर 8 है, इसका मतलब इसको 2 से भाग करना है। देखो, 2 से भाग करते समय हम लोगों को, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मन में भाग कर लेने का है। अभी देखो, 2 के पहाड़े में 2 आते हैं, इसलिए 2 एकम 2, इसलिए भागफल 1 आ गया, इधर लिख दिया है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 8 आते हैं, इसलिए 2 चौक 8, इसलिए 4 भागफल आया, वो इधर लिखा है, इसका मतलब भागफल आया 14। उसके बाद अभी 14 फिर से किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के ही, इसलिए 2 सातें 14, इसलिए 7 भाग फलाया, वो नीचे लिख दिया। अभी 7 किसके पहाड़े में आते हैं, 7 के ही आते हैं, इसलिए 7 एकम 7, भागफल 1 आ गया, इसलिए वो यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर ये क्रिया पूर्ण हो गई है। जैसे हमने 28 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए, वैसे अभी 42 के भी करने के हैं। देखो, 42 के भी, इसके भी इकाई स्थान पर 2 है, इसका मतलब इसको भी 2 से भाग करेंगे। देखो, 2 दुना 4, भागफल 2 आ गया, इसलिए उसको नीचे रखा, नीचे लिखा है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 2 आते हैं, इसलिए 2 एकम 2, तो यहाँ पर 1 जो है वो भागफल आ गया, इसलिए वो यहाँ पर लिखा। तो इसका मतलब देखो, 42 को 2 से भाग करने पर भागफल 21 आ गया। अभी 21 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 3 के, तो इसलिए 3 सातें 21, देखो 7 जो है उसका भागफल आया है, वो इसलिए नीचे रख दिया है। अभी उसके बाद 7, 7 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 7 के ही, इसलिए 7 एकम 7, तो इस तरह से यहाँ पर भी ये क्रिया पूर्ण हो गई। अभी देखो, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद उनको इस तरह से लिख लेने के हैं। जैसे 28 के गुणनखंड, देखो 28 के गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 7, तो यहाँ पर लिखने का है 2 गुना 2 गुना 7। उसके बाद 42 के गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 7, तो यहाँ पर 42 के लिखे हैं 2 गुना 3 गुना 7। तो इस तरह से ये गुणनखंड लिखने के बाद, दोनों के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेने के हैं। लिखने के बाद उनमें से सामान्य विभाजक जो है वो हमें क्या करने के बाद निकालने के हैं। अभी सामान्य निकालने के लिए हम लोग अपने ध्यान में आने के लिए, एक तो हम लोग उसको नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इस तरह से गोल कर सकते हैं। अभी एक है, मैंने गोल करके रखा है। देखो, यहाँ पर पहले में 28 में 2 सामान्य हैं, उसके बाद 42 में भी 2 सामान्य, दोनों में सामान्य होने चाहिए, मतलब दोनों में सामान्य हो गए तो ही उसको गोल करने का है। अभी देखो, 28 और 42 दोनों में 2-2 पहले आए हैं, इसलिए दोनों को गोल किया है। उसके बाद 28 में 2 है लेकिन 42 में 2 नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। उसके बाद 28 में 7 आया है तो 42 में भी 7 आया है, इसलिए दोनों को भी मैंने गोल किया है। और गोल करने के बाद जो सामान्य विभाजक जो है तो उनका यहाँ पर गुना करने का है। देखो, सामान्य विभाजक बाजू में निकलने के बाद उनको गुना करने का है, तो 2 गुना 7 इस तरह से किया, तो 2 सात मतलब सामान्य विभाजकों का गुना किया, तो यहाँ पर 2 सातें 14, इसलिए मसावी आ गया 14। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद ये मसावी ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये ऊर्ध्वाधर विधि से मैंने पढ़ाया है, इसको हम लोग अभी क्षैतिज विधि से भी देखेंगे। देखो, क्षैतिज विधि से अभी फिर से 28 और 42 का ही क्षैतिज विधि से हम लोग मसावी ज्ञात करेंगे। अभी 28 के गुणनखंड बनाने के हैं। देखो, 28 कौन से दो संख्याओं का गुना है, तो 2 गुना 14 का। उसके बाद 2 वैसा ही लिख लिया, अभी 14 इस संख्या को कौन से दो संख्याओं का गुना है, तो 2 गुना 7 इसका है, इसका मतलब देखो 2 गुना 2 गुना 7, ये उसके अभाज्य गुणनखंड बन गए।
उसके बाद 42, 42 कौन से दो संख्याओं का गुना है, तो 2 गुना 21, 21 दुना 42 होते हैं। उसके बाद 2 वैसा ही रखा है, लेकिन अभी 21 कौन से दो संख्याओं का गुना है, तो 3 गुना 7 का, इसलिए 2 गुना 3 गुना 7 इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद अभी इन दोनों में भी सामान्य गुणनखंड विभाजक जो है उसको गोल करने का है। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, इसलिए दोनों को गुना किया। बाद में सामान्य विभाजकों का भी गुना किया तो 2 गुना 7 किया है, तो 7 दुना 14 आ गया, इसलिए मसावी आ गया 14। तो इस तरह से हम लोग ये मसावी जो है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से ये जो दोनों विधियों से मैंने आप लोगों को ये मसावी जो है वो कैसे हल करते हैं वो दिखाए हैं। उसी तरह आपके किताब में भी यहाँ पर भी देखो अभाज्य गुणनखंड विधि ज्ञात करने की ये दोनों विधियाँ, ये सॉरी यहाँ पर ये भाग विधि जो है ऊर्ध्वाधर विधि यहाँ पर करके दिखाई है। जैसे 24 और 32 का मसावी ज्ञात करो, तो यहाँ पर 24 का करके दिखाया है। देखो 2 के पहाड़े में ए 2 आता है, इसलिए 2 एकम 2, इसलिए भागफल 1 आ गया। उसके बाद 2 के पहाड़े में 4 आता है, इसलिए 2 दूना 4, तो इसका मतलब यहाँ पर भागफल लिख दिया है। उसके बाद फिर से 2 को 12 से भाग, 12 से भाग करते समय 2 6 12, भागफल 6 आ गया, वो नीचे लिखा है। उसके बाद 2 के पहाड़े में फिर से 6 आते हैं, इसलिए 2 3 6, और उसके बाद 3 के पहाड़े में 3, इसलिए 3 एकम 3 एकम 3, इस तरह से ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हैं। और उनको यहाँ पर ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर ये हो गया उसकी ऊर्ध्वाधर विधि, यहाँ पर उसको क्षैतिज विधि में लिखा है। उसके बाद 32 का भी वैसा ही है। देखो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 आते नहीं, इसे 2 एकम 2, और 3 में से 2 घटाने के बाद 1 रह गया, तो इधर 12 बन गए, तो 2 6 12। उसके बाद 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, इसलिए 2 8 16। उसके बाद 2 चौक 8, 2 दूना 4, और 2 एकम 2, तो इस तरह से ये उसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अभी देखो अभाज्य गुणनखंड आने के बाद इसमें से जो समान रहेंगे, जैसे कि देखो अभी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और उसके बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ देखो 1 2 3, ये तीनों जो है वो समान है, इसीलिए इन तीनों का ही ये सामान्य विभाजक हो गए। और इसीलिए 2 3 बार आया है, इसलिए 2 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का मसावी आ गया 8। तो क्षैतिज विधि से और ऊर्ध्वाधर विधि से इसको इस तरह से करके दिखाया है। तो आप लोगों को यही वो जो भाग है वो आप लोगों को किताब में लिखने का है, और फिर से इसके बारे में और जानकारी जो है वो अगले वीडियो में आपको देने वाली हूँ। धन्यवाद।